जो लोग जॉब के लिए जाते हैं, जिनका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, वो किस तरह की जो है ड्रेसिंग करके जाएं? जब भी आपका इंटरव्यू है तो यू हैव टू बी ड्रेस्ड फॉर्मली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ड्रेसिंग गिव्स एन इंप्रेशन के हाउ इम्पॉर्टेंट अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्टिकुलर इंटरव्यू इज फॉर यू। जब आपने दो बटन वाला कोट पहनना है तो उसमें आपका ऊपर वाला बटन बंद होता है। जब आप तीन बटन वाला कोट पहनते हैं तो उसमें दरमियान वाला बटन बंद होता है। अगर आपने खड़े वॉकिंग पोजीशन में चलते फिरते आपने बटन बंद करना ही है तो, और जब आपने बैठना है तो यूनिवर्सल रूल है कि आप बटन्स अपने खोल दें। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, काले जूते पहन लेते हैं और ब्राउन बेल्ट लगा लेते हैं या वाइस वर्सा कर लेते हैं। ये नहीं देखा जाता कि आपके जूता 15,000 रुपये का है, 50,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, ये नहीं देखा जाता। वट हैव यू पिक्ड फॉर यू? इज इट द बेस्ट ऑप्शन? इज इट वेल सूटिंग विद योर पर्सनैलिटी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, अक्सर नौजवानों का ये सवाल होता है कि जॉब इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, टाई का कलर कैसा हो, शर्ट का कलर कैसा हो और टू पीस का कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह हम बात करेंगे कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। इस तरह हम बात भी करेंगे कि डाइनिंग मैनर्स आपके कैसे होने चाहिए। अपने डायरेक्टर के साथ या बॉस के साथ आपने खाना खाना है तो आपको डाइनिंग मैनर्स तो लाजमी तौर पर आने चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किस तरह किया जाए। इसी तरह के मजीद टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस इंटरव्यू में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम सैयद मौज़म अली साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भाई आपकी तशरीफ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मौज़म भाई, आपकी ये 12 साल की जर्नी है जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा, आपने लम्स में काम किया, आपने मोबलिंग में काम किया, आपने बीकन हाउस के साथ काम किया, ये तमाम इदारे जो हैं आपने देखे हैं, आपने उनका एक्सपोजर लिया है और अब आप जो है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात में हेड ऑफ मार्केटिंग की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। मेरा आपसे ये सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि ये एक्सपोजर कैसा रहा, ये जर्नी कैसी रही और आपने प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे सीखे? थैंक यू वेरी मच शुएब। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और कासिम अली शाह फाउंडेशन और जो कासिम अली शाह सब काम कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीचेस और जो उनके लेक्चर्स हैं और वो जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो मैं हमेशा से बड़ा एक फॉलोअर रहा उनका। और प्लस जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आके कुछ ऐसा शेयर करूं जो कि ऑडियंस के लिए और जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हेल्प आउट कर सके। जो मेरी जर्नी है, जो आपका क्वेश्चन है, जो मेरी जर्नी है 13 ईयर्स की मार्केट में, इट वॉज़ अ टफ जर्नी। आई वॉन्ट से कि ये जर्नी जो है वो बहुत ईजी थी, इट वॉज़ टफ। लेकिन मैंने जब फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे अपने आप को डिवेलप करना है, और जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने अपने हर कदम से और हर गुजरते हुए मिनट से सीखना है, तो ये जर्नी एंजॉयबल हो गई। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा। चूंकि हम लोगों के, मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस, इट्स नॉट अ वेरी एजुकेशनल फैमिली, हम लोगों को सिर्फ ये कहा जाता था कि आप लोगों ने जितना हो सके अच्छा पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स आप लोग लेकर आएँ, लेकिन ये नहीं था कि आपने जो करियर काउंसलिंग होती है बेसिकली वो हो और हम लोग उसमें, हमें अपनी डायरेक्शन बताओ कि हमने क्या करना है। तो मैं एक बड़ा रैंडम सा पार्टिकल था जो कि मार्केट में घूम रहा था। आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम FC कॉलेज, देन आई वेंट टू हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और वहाँ से मैंने BCom किया और MCom किया। क्यों किया मुझे नहीं पता, लेकिन कर लिया। उसके बाद जो था, एक मसला दरपेश आया कि आई हैव टू गो फॉर अ जॉब। ऑब्वियसली बीइंग द एल्डेस्ट मोस्ट, मुझे अपनी ब्रेड एंड बटर का भी ख्याल रखना था। तो मुझे जो पहली जॉब ऑफर हुई, दैट वाज इन मोबलिंक। जब मेरा पहला दिन था तो, मतलब मैंने जितनी भी स्क्रीनिंग थी उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से जो अपने इंटरव्यूज़ थे वो क्लियर किए, मुश्किल से मुझे बड़ी एफर्ट लगानी पड़ रही थी। इंटरव्यू क्लियर हो गए और मुझे, जब मेरा पहला दिन था तो जिसको मैंने रिप्लेस किया था, जो मेरा प्रीडिसेसर था, उसने मुझे प्रैंक करने की कोशिश की। प्रैंक इन द वे, उसने मुझे कहा कि आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू है मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है जी, और चूंकि जब बंदा फर्स्ट डे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो थोड़ा सा शाय होता है, तो मैंने कहा ठीक है जी। उसने मुझे टाइम दे दिया कि जी आज लंच के बाद तुम 1:15 बजे मेरे पास आ जाना और हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे और मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूँगा। मैंने कहा ठीक है।
और आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड. मैंने कहा तो मेरी जॉब होगी है, कोई मसला नहीं है. जब उसने मुझसे सवाल करने शुरू किया, एक्चुअली वो मुझे प्रैंक कर रहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा, वो जैसे कहते हैं ना प्रेशराइज करना था. उसका मकसद ये था कि वो शुगल लगा रहा था एक्चुअली. वो मुझे एक तरह से, वो जैसे कहते हैं ना, रैगिंग कर रहा था मेरी. उस रैगिंग में जो मुझे चीज़ें समझ आईं वो ये थी कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. जिस तरह से उसने मुझे सवाल किए, जिस तरह के उसने मुझसे मुझे प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश की, मैं बिल्कुल इतना नर्वस हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसके सवाल का क्या जवाब दूँ. वहाँ जाके उस पॉइंट पे मुझे महसूस हुआ दैट देर इज़ समथिंग रॉन्ग. आइदर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब मार्केट, या मुझे अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है. वो जब पहली डायरेक्शन मुझे मिली तो मैंने कहा अब शुरू कैसे किया जाए अपने आप को डिवेलप करना. क्योंकि एक और वाक्या मैं कोट करता हूँ जिसने मुझे, जो कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स आते हैं. एक और वाक्या था, मेरा इंटरव्यू था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में. चूँकि मैं कॉमर्स से, मैंने अपनी एजुकेशन, मेरी जो डिग्री थी वो कॉमर्स रिलेटेड थी, तो मेरी प्रेफरेंस बैंक भी थी. तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मेरा इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैंने इवन टाई भी नहीं लगाई थी, आई वॉज जस्ट हैविंग अ पैंट शर्ट, और जाके मैं बैठ गया हूँ. मुझसे सवाल पूछते थे, सिर्फ सवाल का जवाब दिया, नॉट एक्सप्रेशन. ये समझने की कोशिश नहीं की कि सवाल का पर्पस क्या है, बस जवाब देता गया. जो वो पूछते गए घर वापस आ गया. समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या होगा. इतना हिंट भी नहीं मिला कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, और सिलेक्शन नहीं हुई. तो इन कुछ सीरीज ऑफ इंटरेक्शन, ऑल दो कि वो इनफॉर्मल इंटरव्यू था जो मेरा मोबिलिंक में मेरे सब जो प्रीडिसेसर ने लिया था, वो इंटरव्यू कैंडिड था. वो एक रैगिंग टाइप इंटरव्यू था, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन चेंज करने में मुझे बहुत हेल्प की. फिर मैंने कहा शुरू कहाँ से किया जाए. पहला मैंने देखा कि जब वो मुझसे सवाल पूछ रहा था तो मुझे उसका जवाब नहीं आ रहा था, एंग्जाइटी हो रही थी, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन वीक थी. वो मुझसे इंग्लिश में सवाल करता था, मैं ज़बरदस्ती उर्दू में लेकर आने की कोशिश करता था. तो खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. लेकिन मैंने कहा कि मेरा पहला एरिया विल बी कम्युनिकेशन, मुझे अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना था. उसके लिए फिर जो ऑडियंस के लिए द लर्निंग है वो ये है कि मैंने जब कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया तो मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर को थॉरली पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने उसको शीशे के सामने, मिरर के सामने मैंने उसको जैसे कहते हैं ना लाउड रीडिंग करनी शुरू कर दी, जिससे मेरी प्रोनंसिएशन करेक्ट होनी शुरू हुई. जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं बीकॉम का स्टूडेंट था या एमकॉम का स्टूडेंट था, तो मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कॉमर्स को कॉमर्स कहते थे. तो वो चीज़ें मैंने सबसे पहले कोशिश की कि मैं इनको इरेडिकेट करूं, इनको मैं आयरन आउट करूं, ताकि जब मैं किसी से कम्युनिकेट करूं तो मेरी कम्युनिकेशन क्लियर हो, और मेरी कम्युनिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड हो और टू द पॉइंट हो, और अबव ऑल कि जो हमें अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसको भी इम्प्रूव करना है. तो उसके लिए आई स्टार्टेड माई जर्नी. फिर एक और मज़े का वाक्य हुआ कि हम लोग एक डिनर पे गए, हमारे डायरेक्टर भी मेरे साथ थे. कुछ उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ. इट वाज अ कॉरपोरेट टाइप ऑफ अ लंच. तो जब हम वहाँ पे गए तो मुझे, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज की लाइफ में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाते थे, तो हमें कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा फोक कहाँ पर, हमारी नाइफ कहाँ पर, हमारी टाइप ऑफ प्लेट्स कौन सी हैं. तो जब मैं लंच शुरू हुआ तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने डायरेक्टर के साथ ही बैठ गया. अब जब मैं डायरेक्टर के साथ बैठा तो मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे घूर के देखा. उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है बंदा. मैंने कहा कि मुझे समझ कुछ ख़ास नहीं आई, लेकिन मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि मेरी, जब क्योंकि वो तो नए दिन शुरू के दिन थे, मैंने कहा मैं ज़रूर पूछूंगा कि सर वो उस दिन क्या ऐसा हुआ था कि मतलब आपने मुझे घूर के देखा था, एंड यू शोड, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने कहा यार तुमने मेरी साइड का ड्रिंक या तुमने मेरी साइड का ग्लास उठा के पानी पिया था जो कि तुम्हारी साइड पे नहीं था. तो मैंने कहा ये तो डाइनिंग भी कोई चीज़ होती है. अब मैंने उसमें रिसर्च शुरू की कि डाइनिंग के एटिकेट्स क्या होते हैं कॉरपोरेट के, प्रोफेशनल डिनर्स के, प्रोफेशनल लंच, जो भी आपकी हाइटीज वगैरह होती है उसमें, हाउ यू हैव टू बिहेव, हाउ यू हैव टू पिक अप द थिंग्स, व्हाट शुड बी द ऑर्डर. मुझे अभी भी एक बात याद है, मेरे बड़े एक प्यारे मेंटोर होते थे रमीज़ अल्लाह वाला,
उन्होंने एक दफ़ा मुझे समझाया, हम में से बैठे हुए थे खाना, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है अगर आपने कोई चीज़, आपके साथ बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, सीनियर्स हैं ये, तो क्या आप डायरेक्ट कहते हैं सर ज़रा मुझे चीज़ पकड़ा दीजिए? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही कहूँगा। कहते नहीं ऐसे नहीं कहेंगे। मैंने कहा तो फिर कैसे कहेंगे? तो ही सेड आप हमेशा अगर कोई आपके सामने बड़ा बुज़ुर्ग बैठा है, आपसे सीनियर बैठा हुआ है, तो आप हमेशा उसको ऑफ़र करते हैं कि आप लीजिए, और उसके जवाब में वो आपको कहता है कि आप लीजिए, एंड देन यू टेक द थिंग फ्रॉम हिम। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आई हैव वर्कड ऑन डाइनिंग एटिकेट्स एज वेल। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे मैंने कहा और अपने आप को डेवलप करना है, और ये मेरे ज़िंदगी के साल आगे चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद मोबिलिंग छोड़ के फिर आई वेंट टू बीकन हाउस, उसके बाद लम्स, तो ये मेरी लर्निंग जर्नी साथ के साथ जारी थी। उसके बाद फिर मुझे मैंने कहा और अब कौन सा एरिया है, क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन में काफ़ी हद तक आई ट्राइड कि मैं जितना लाउड बोल सकता हूँ, जितना क्लियर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, वेदर इट इज़ इन अ मीटिंग, वेदर इट इज़ वन टू वन कन्वर्सेशन, और जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की भी बात आती है वहाँ पे भी मैंने थोड़ा अपने आप को इस लिहाज से इतना ट्रेन कर लिया कि जो मेरा काम था वो अच्छा चलता रहता। मैंने कहा अब कौन सा एरिया जो कि मुझे उसके ऊपर काम करना है, तो मुझे समझ आई कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है कुछ। अब मैंने कहा ये क्या चीज़ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो इंसान हर वक्त कम्युनिकेट कर रहा होता है, चाहे वो बैठा है, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरी ड्रेसिंग आपको मैसेज दे रही है कुछ ना कुछ, मेरी हैंड मूवमेंट, चाहे वो हाथ मेरी टांगों पे हैं, चाहे मैंने इस तरह से हाथ रखे हुए हैं, चाहे मेरी मुट्ठियाँ बंद हैं, चाहे खुली हुई हैं, दे आर गिविंग अ मैसेज टू यू एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है अपनी बॉडी के ऊपर कैसे वो काबू पाया जाए। तो मैंने कहा इसके ऊपर रिसर्च करके देखते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन और क्या अप्रोप्रिएट है। तो उसमें फिर जो मैंने सीखा, रिसर्च की, और जो मैंने यूथ के लिए, अब आज का जो मेरा पर्पस भी आने का ख़ास तौर से वो ये था कि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, हमारे ज़माने में मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे नहीं थे, हम लोग इस ज़माने में कोचेस नहीं थे, हमारे ज़माने में मेंटोरशिप नहीं थी, मतलब आप किसी से हेल्प मांगने के लिए जाते थे कि सर मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हमें उतनी इजी एक्सेस भी नहीं थी प्रोफेशनल्स की। आजकल तो हम लोग ये है कि हम लोग इवन किसी को भी अगर हम फेसबुक पे अप्रोच करते हैं, हमें रिस्पॉन्स आ जाता है, सेशंस इतने होते हैं, टॉपिक्स इतने हैं जो कि कवर हुए हुए हैं, उस ज़माने में नहीं था। तो मेरा जो था ना पैशन था कि मैंने सीखना है ये वाली चीज़। तो मैंने जब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जब हम किसी के पास इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं, जो कि तीन चार चीज़ें हैं जो कि बड़ी ज़्यादा नोटिस की जाती हैं, उसमें आपकी हैंड मूवमेंट है कि आपके हाथ कैसे हैं और उनकी क्या मूवमेंट है। सेकेंड, आपकी आई मूवमेंट बहुत मैटर करती है कैसे। जैसे मैं आपसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल कर रहा हूँ और मैं आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इसका जवाब सच देंगे या झूठ देंगे, या आप उसको फैब्रिकेट करके जवाब देंगे या मेमोरी से लेकर आएंगे, तो आपकी आई मूवमेंट को देखूंगा। आई मूवमेंट कैसे कंट्रोल होती है, आपका ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज क्रिएटिव साइड ऑफ योर माइंड, लेफ्ट साइड जो है वो आपकी मेमोरी साइड है। अब जब आपने झूठ बोलना होता है या आपने किसी सिचुएशन को फैब्रिकेट करना होता है तो आपकी आंखें राइट साइड पे ऊपर चली जाती हैं इनवॉलंटरली, आपको पता भी नहीं चलता, और जब आपने कोई चीज़ मेमोरी से रिकॉल करनी होती है तो आपकी आंखें लेफ्ट साइड पे ऊपर चली जाती हैं। इस छोटी सी चीज़ से आपकी जो आप जवाब दे रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी का पता चल जाता है। आप समझ रहे होते हैं कि मैं कमाल का जवाब दे कर आया हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी भी होता है और उसमें क्लस्टर भी काफी मैटर करता है। True. तो ये भी हम इसमें ऐड करते चलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी की हम बात, बिकॉज दिस इज नॉट कंट्रोलेबल। आप इसको आई मूवमेंट को आप ट्रेनिंग के बाद कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके साथ लॉन्ग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस चलती है और उसमें प्रेशर टैक्टिक्स के, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो फिर आपको एक टाइम आता है आपकी कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल रिहर्सल करें तो वो कंट्रोल हो जाता है, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसा। और आप कोशिश करें कि आप सवालों के जवाब जो भी आप दे रहे हैं वो कोशिश करें कि आप उसको सच की बुनियाद के ऊपर दें, बहुत ज्यादा फैब्रिकेट ना करें। बिल्कुल ऐसे। तो एक तो ये आई मूवमेंट की बात होगी, दूसरा मजे की बात आपको बताता हूँ कि हैंड्स जो हैं, इंसान झूठ बोलते वक्त या किसी ऐसी बात करते वक्त जो उसे नहीं करनी चाहिए या, तो अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेता है, नेचुरल है।
तो जब इंटरव्यू आपको इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा होता है ना, तो वो ये चीज़ों को भी देख रहा होता है. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो लेकिन मैंने कहा मैं आपको एक दो चीज़ें कोट करूँ. जरूर जरूर, अच्छा किया आपने. तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक. अटायर की भी थोड़ी सी बात कर लें. ड्रेसिंग अटायर मेरा फेवरेट. अब जब मैं अपने जब मैंने सोचा डेवलप करना है अपने आप को, तो मैंने सोचा कि पूछने से बेहतर है ऑब्जर्वेशन से अपने आप को डेवलप कर लिया जाए. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो लोग जॉब के लिए जाते हैं, जिनका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, उनको भी थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि वो किस तरह की जो है ड्रेसिंग करके जाएं, कलर क्या होना चाहिए, किस तरह की पैंट होनी चाहिए, टाई कहाँ पे होनी चाहिए, वो तमाम सारी चीज़ें आप बताइए. बिल्कुल, मैं बताता हूँ. जब मेरा मैंने आपको अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इंटरव्यू का हवाला दिया था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का इंटरव्यू जो था उसमें मैं सिर्फ एक पैंट, एक शर्ट, नो टाई, कैजुअल शूज़, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग सकता हूँ, मैं चला गया. रिजेक्ट हो गया. एक लर्निंग आ गई मेरे पास. जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने कहा मैं अपने डायरेक्टर्स को और अपने मैनेजर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता हूँ कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है. आई ट्राई टू बाय दोज टाइप ऑफ थिंग्स, लेकिन निटी ग्रिटीज का मुझे नहीं पता था. मुझे ये आइडिया होगा कि डार्क पैंट लोग पहनते हैं, तो आई बॉट डार्क कलर पैंट्स. मुझे लगा लाइट कलर शर्ट्स पहनते हैं, चेक्स बहुत ज़्यादा नहीं रिकमेंड किए जाते आपके प्रोफेशनल ड्रेसिंग में. बड़े चेक जो होते हैं, शॉर्ट चेक चल जाते हैं. तो मैंने कुछ इस तरह से बाइंग शुरू कर ली. टाई देखता था कि वो उनकी टाई की लेंथ कहाँ तक होती थी. अब उसमें कन्फ्यूजन आ जाती थी, क्योंकि कुछ लोगों की जो ज़रा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग होते थे, उनकी टाई ज़रा ऊंची भी होती थी. कुछ लोग होते थे बहुत लंबी टाई बांध लेते थे. तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रूल. तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस. एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग. जब भी आपका इंटरव्यू है, तो यू हैव टू बी ड्रेस्ड फॉर्मली. देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डेवलपर पोजिशन. कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी मैं तो IT की फील्ड से हूँ, और मेरा तो काम ही कंप्यूटर पर बैठ के कोडिंग करना है, तो मेरे लिए ड्रेसिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है. बट ड्रेसिंग गिव्स एन इम्प्रेशन कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्टिकुलर इंटरव्यू इज़ फॉर यू. आपने उसको कितनी अहमियत दी है. आप मैसेजेस देते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. ठीक है, तो फॉर्मल ड्रेसिंग इज़ द फर्स्ट रूल. अब फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो क्या है कि आप जैसे 3-पीस बोलते हैं या 2-पीस बोलते हैं, दैट इज़ योर फॉर्मल ड्रेसिंग, जिसमें पेंट आ जाती है, कोट आ जाती है, फॉर्मल शर्ट आ जाती है, आपकी टाई आ जाती है. और 21 रूल्स हैं सूटिंग के. अब जब ऑडियंस को मैं सारे बता दूंगा तो उन्हें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी. तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसमें से कुछ का जिक्र करूँ. ज़रूर. और उसके बाद आप लोग जब रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो कौन से रूल्स हैं. ठीक है, अब जैसे मैं आपको सबसे और उसमें मैं आपको कुछ फोकस ये भी दिलाऊँगा कि जो लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग में जो लोग गलतियाँ करते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ. आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जो कोट पहनते हैं, 2 बटन्स वाला कोट होता है या 3 बटन्स वाला कोट होता है. और आपने ये देखा होगा कि लोग अक्सर उसमें से 2 बटन बंद किए होते हैं, या 3 बटन है तो 3 बटन बंद किए होते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. जब आपने 2 बटन वाला कोट पहनना है, तो उसमें आपका ऊपर वाला बटन बंद होता है. जब आप 3 बटन वाला कोट पहनते हैं, तो उसमें दरमियान वाला बटन बंद होता है. अगर आपने खड़े वॉकिंग पोजिशन में चलते फिरते आपने बटन बंद करना ही है तो. और जब आपने बैठना है, तो यूनिवर्सल रूल है कि आप बटन्स अपने खोल दें. अगर आप बटन बंद के साथ बैठे हुए हैं, तो 1 मिनट का मैसेज है कि ये पेंडू है, इसको नहीं पता. और जब आपका एक नेगेटिव बिल्ड होता है, तो बाकी नेगेटिव्स को भी अट्रैक्ट करता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग हो. ठीक है, तो एक ये छोटी सी मिस्टेक होगी. दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो बड़ी कॉमन है, मैंने ये फील किया है, वो ये है कि लोग काले जूते पहन लेते हैं और ब्राउन बेल्ट लगा लेते हैं, या वाइस वर्सा कर लेते हैं. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो बड़ी दूर से 1 मिनट में पिकअप हो जाती है. ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि और ये सारी चीज़ें किस तरह से आती हैं. ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आती हैं कि मैं हूँ क्या. बिल्कुल ऐसे. मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए जो मैं अगले के रिक्वायरमेंट पे पूरा होता हूँ. डेफिनेटली. ठीक है, जब ये रियलाइजेशन नहीं आपके अंदर आती, मैंने जिक्र किया था ना, मैं निटीग्रिटीज में नहीं जा पा रहा था. अब ये बेल्ट और शू वाला निटीग्रिटी है. पेंट और शर्ट इज सिंपल, जो बड़े ब्रॉडर पैमाने पे नजर आती थी मुझे अपने मैनेजर्स डायरेक्टर की. लेकिन निटीग्रिटी क्या थी कि ब्राउन शूज हैं तो ब्राउन बेल्ट है, ब्लैक शू है तो ब्लैक बेल्ट है. ठीक है, और शू की टाइप बहुत मैटर करती है. आपके शू सिलेक्शन, शू चॉइस बहुत कुछ बता देती है कि आपके शू किस तरह के हैं. ठीक है,
और जो आजकल कॉमन शू हैं जो कि पॉपुलर हैं, सेफ हैं, सेफ टू वियर, उसमें विंग टिप, ब्रोग्स, मकेशंस आपकी जो फॉर्मल में आ जाती हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्टाइल लेसेस, लेकिन जो शूज़ भी आप पहने वो प्रॉपरली साफ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना जूता ना हो जो कि बहुत इल फीलिंग दे रहा हो, ठीक है, टाइडी होना चाहिए। और क्योंकि देखा ये जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपके जूता 15,000 रुपये का है, 50,000 रुपये का है, 1,00,000 रुपये का, ये नहीं देखा जाता। वट हैव यू पिक्ड फॉर यू, इज इट द बेस्ट ऑप्शन, इज इट वेल सूटिंग विद योर पर्सनैलिटी या नहीं। तो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, यू विल गेट टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, उसमें आपकी आंखों को क्या अच्छा लगता है, लोगों को देखें लोगों ने क्या पहना हुआ है, एंड देन सेलेक्ट फॉर यू, ठीक है, दो चीज़ें होगी। थर्ड, सॉक्स। अमूमन लोग सॉक्स के बारे में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि सॉक्स का कलर जो है आइदर दे मैच विद द टाई और दे मैच विद द शर्ट, बट इट हैज़ टू बी मैच्ड। दो अप्रोचेस बताऊंगा, पहली सेफ अप्रोच है न्यू कैंडिडेट्स के लिए, जो पहली अप्रोच है इट शुड बी मैच्ड विद द कलर ऑफ योर ट्राउजर, ठीक है, वो आपके उसके साथ मैच होनी चाहिए। जो आजकल थोड़ी सी फैशन अप्रोच निकली है वो ये है कि बड़े भड़कीली किस्म की प्रिंटेड ब्राइट कलर्ड सॉक्स भी लोग पहनते हैं लोफर्स के साथ, और जिनके ये जो ट्राउजर जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होती है, बिल्कुल ठीक है, तो दैट इज समथिंग मोर स्टाइलिश। या वो ये आप तब कर सकते हैं जब आपके आपको सेंस आ जाए पूरी तरह, आप बेसिक से निकल के प्रो की तरफ जा रहे हो, श्योर, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने आपको सॉक्स बताई। थर्ड इज, बहुत कम लोगों को पता है टाई की लेंथ और टाई की सिलेक्शन कैसे की जाए। अमूमन एक रूल सिंपल है, लाइट कलर शर्ट और डार्क कलर टाई, ये तो सिंपल आप अपना रूल रख लें, ठीक है। और ट्राई करें जब आप अपने करियर के शुरू में हैं या आप जब इंटरव्यूज के लिए अपने इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जा रहे हैं या अपने ऑफिस में जब यूज करनी है, तो सॉलिड कलर टाइज, पोलका डॉट टाइज, स्मॉल या छोटे प्रिंट वाली टाइज या स्ट्रिप्ड टाइज, ये 3 से 4, और सॉलिड कलर टाइज भी आप पहन सकते हैं। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि टाई की विड्थ कैसे मैनेज की जाती है। टाई की विड्थ आपके कोट की लेपल, ये लेपल होता है, ये चीज़ जो है दिस इज नोन एज लेपल, इसकी विड्थ के साथ टाई मैच की जाती है। आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल सी कि बहुत कुछ लोगों ने ऐसे कोट पहने होते हैं जिनकी ये लेपल विड्थ बहुत चौड़ी होती है, उसके साथ चौड़ी टाई चलेगी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनकरेक्ट, बट अगर चौड़ा लेपल होगा आपका विड्थ उसकी, तो चौड़ी टाई। आजकल ट्रेंडी क्या है, इसकी छोटी, मतलब छोटी विड्थ, बहुत ज्यादा विड्थ वाले नहीं चल रहे, तो उसके साथ उसी के साथ बैलेंस टाई आप लोग लगाएंगे अपनी, और टाई की लेंथ आपकी बेल्ट को टच करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और अगर उसको आप मैनेज कर लें कि बेल्ट से जो आपकी टॉप ऑफ द बेल्ट है उसके साथ आपका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डाउन हो, क्योंकि जब आपने चलना फिरना है, आपकी थोड़ा सा पैंट चलते चलते थोड़ा सा नीचे भी हो जाती है समटाइम्स, तो वो उसको कवर अप कर लें, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड टू टाई। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि लोग गलत करते हैं, लोग पॉकेट स्क्वायर नहीं लगाते। पॉकेट स्क्वायर एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग में बहुत अहमियत हासिल है उसको, और बच्चे इसका इंतखाब नहीं करते, यूथ इसका इंतखाब नहीं करती, यूथ इसके लिए एफर्ट नहीं करती कि हम पॉकेट स्क्वायर लगाएं, लेपल पेंस लगाएं, जो कि आपको एक मोर फॉर्मल लुक दे देती है। इस चीज़ का एहतमाम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए रूटीन कहते हैं लहरों के साथ वो सब चल लेते हैं, असल काम क्या है कि आप लहरों को चीरते हुए अपना रास्ता बनाएं, बिल्कुल ठीक, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले। टाइम की हमारे पास किल्लत है मौसम भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ इसी से रिलेटेड कि कलर कौन सा होना चाहिए, पैंट का कलर कौन सा हो, शर्ट का कलर कौन सा हो, जो इंटरव्यू के लिए खास तौर पे, ठीक है। जो हमारा अभी हम सेफ मोड के ऊपर बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, सेफ मोड के ऊपर, बिल्कुल बेसिक लेवल है, उसमें आपकी वार्डरोब में 3 चीजें तो जरूर होनी चाहिए, नेवी ब्लू या डार्क ब्लू जैसा आपने कलर पहना हुआ है, चारकोल ग्रे, ग्रेश, वो आप कलर जरूर रख सकते हैं, और ब्लैक या बेज, ठीक है ये जरूर होने चाहिए। पेंट कोट जो कि आपके अच्छी स्टिचिंग वाले, अच्छी फिटिंग वाले और हाई क्वालिटी,
क्योंकि जब आप आपके लास्ट सेमेस्टर में होते हैं या आप अपनी एजुकेशन मास्टर्स लेवल की एमएस लेवल की शुरू करते हैं, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ आपको उस वक्त से अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। और शर्ट का कलर? शर्ट हैज टू बी लाइट। व्हाइट इज सेफ, लाइट पिंक इज सेफ, लाइट ब्लू इज सेफ इनिशियली। टाई में मेरा आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को मोस्टली उन्होंने लाल रंग की टाई लगाई होती है। अगर आप रिसर्च करें तो रेड कलर इज द कलर ऑफ विक्ट्री। बिल्कुल ऐसे। और जब आप किसी ऐसे फोरम के ऊपर होते हैं जहाँ पे आपने निगोशिएट करना होता है तो इट एड्स ऑन टू व्हाट यू से कि आपकी डोमिनेंस को इंक्रीज करना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो टाई हैज टू बी डार्क इन कलर। आप सेफली मरूनिश, ब्लूइश टाइज को आप वो प्रेफर करें। विड्थ को देखें किस तरह से है, और सॉलिड कलर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट डार्क कलर लें। शर्ट लाइट, डार्क टाई, ये जरूर आपके उसमें। मौसम भाई थोड़ा सा असर्टिवनेस पे थोड़ी सी अगर आप बात कर लें, थोड़ा शॉर्ट टाइम हमारे पास। जरूर जरूर, एक आध मिनट में अगर आपसे कवर करना चाहें। जब मेरी पहली जॉब थी तो मुझे जब कोई काम कहा जाता था या इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि तुमने ये काम करना है, तो समटाइम्स मेरे दो तरह के एटीट्यूड होते थे। या तो मैं ओवरवेलम हो जाता था कि जी बस मसला ही कोई नहीं है जी मैं कर लूँगा, और जब वो डिलीवर नहीं हो पाता था तो मैं अपसेट हो जाता था। और मैं अमूमन समटाइम्स ये भी कहता था जी ये तो हो ही नहीं सकता जी। आप अपने बॉस को कहता था सर ये आप ये क्या दे रहे हैं मुझे, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है। तो उस पर भी मुझे ज़रा ज़ाहरी बात है कि आप अपने बॉस के साथ इस तरह से बात करें और आपका बॉस कह रहा है तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा माइल जाने की तरफ कोशिश ही नहीं कर रहा। तो एक ये सिचुएशन बन जाती थी अग्रेसिव सिचुएशन, अग्रेसिव मेरे राइट साइड पे। अगर मेरा बॉस मुझे काम देता है और मैं उसको कहता हूँ जी जी मैं कर दूंगा, ठीक है हो जाएगा, देखूंगा कैसे हो सकता है, तो ये मेरी पैसिव सिचुएशन बन जाएगी। मैं पैसिव अप्रोच के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड नहीं रहती, पैसिव भी बहुत ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं डालती। वो आपकी पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बजाय वो आपकी पर्सनालिटी को शो करती कि आप सबमिसिव हैं। इसके एक दरमियान का रास्ता है, दैट इज़ नोन एज असर्टिवनेस। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि अगर आपके बॉस ने आपको एक काम कहा है जो कि आपको लग रहा है कि दैट इज़ नॉट डूएबल विद इन द मेंशन्ड स्पैन ऑफ टाइम, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अपने बॉस को कहते हैं कि बॉस आपने मुझे काम दिया, मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम मतलब मिल के कलेबोरेटिवली इस काम को करें और आप मुझे सुपरवाइज़ करते हुए, मुझे गाइड करते हुए चलें, आई थिंक मैं इसको अपने मतलूबा टाइम से पहले मुकम्मल कर दूँगा। ये विन विन सिचुएशन है जिसमें आप अपने बॉस को भी साथ लेके चलते हैं। ये चीज़ें लैक करते हैं, जो हमारे यंग जो जनरेशन है वो अग्रेसिव हो जाते हैं आजकल के ज़माने में कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, आप उसको काम नहीं दे रहे, मुझे आप ज़्यादा काम दे रहे हैं, आप उसको जो है वो आसान काम देते हैं, मुझे मुश्किल काम देते हैं, या कुछ जवाब ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करना, ये अग्रेसिव या सबमिसिव। तो मैं ये ज़रूर मैसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर ऑफ योर जॉब या इनिशियल डेज ऑफ योर करियर, असर्टिवनेस इज द की टू योर सक्सेस। इससे आप गलत आदतें भी लोगों को नहीं डालते, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा भी नहीं देते और बहुत एक्सपेक्टेशंस लो भी नहीं रहने देते, आप एट पार उसको रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक, विद अ विन विन सिचुएशन। ज़बरदस्त। मौसम भाई आपने शाह साहब के आप फ़ैन हैं, आपने उनको सुना है, आपने उनकी तालीमात से वाकिफ़ हैं, क्या राय देना चाहेंगे आप शाह साहब के काम के बारे में? मेरी मदर जो है ना वो कासिम अली शाह की बहुत बड़ी फ़ैन है, पहली बात, क्योंकि आजकल हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना वो भी स्मार्टफोन्स की तरफ आ गए हैं और वो उनको भी एक्सेस है, तो ये बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है कि उन तक भी इस चीज़ की रसाई है। कासिम अली शाह साहब को जब मैंने सुना इनिशियली, इट वॉज समवेयर 2014 की बात मैं बता रहा हूँ, 2014 या 2015 की बात, तो इनिशियली मैं मेरा कंसर्न जो था ना जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने का था वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। लेकिन जब मैंने कासिम साहब को सुना, कासिम अली शाह साहब को, तो मुझे उसमें स्पिरिचुअलिटी का एक एलिमेंट नज़र आया और पॉजिटिविटी का एलिमेंट नज़र आया, जो कि मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी, न्यू डायरेक्शन मुझे मिली। इस तरह से कि कासिम साहब ने एक मिसाल दी थी जो मुझे बड़ी पसंद आई और वो भी समझे कि एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट। कासिम अली शाह ने अपने एक लेक्चर में मिसाल दी, उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम मतलब कैसे अपना खर्चा वगैरह मैनेज करते हो, क्या क्या करते हो, कहते जी मैं 1-1.5 लाख रुपये अपनी माँ जी को दे देता हूँ। तो कहते अच्छा फिर वो क्या करते हैं, उजाड़ देते हैं? कहते फिर
मैं और दे देता हूँ, कहता है मेरे पास भी आना शुरू हो जाता है. दैट इज़ नॉट रिटन इन बुक्स. ये सारी चीज़ें जो जितनी भी वो बातें करते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर लाइफ एक्सपीरियंसेस. और मैंने उनसे बहुत सीखा और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो वो चीज़ें बताते हैं, जो वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, दे आर एक्सेलेंट. और बहुत मैं समझता हूँ कि अगर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी लाइफ स्किल्स को सीखना है तो यू शुड लिसन टू कासिम अली शाह लेक्चर्स. ये मेरा मैसेज है सबके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भाई आपके तशरीफ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए. मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन जो प्रोफेशनलिज्म को समझना चाहते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को जानना चाहते थे, उन सबके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा. इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया.